हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए प्राइवेट डिटेक्टिव वांग अब वहाँ पर फॉल इन लव के पार्ट 35 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था योन और विषयोग इबो और जहाँ से मिलने आते हैं, जिसके बाद दोनों को विषयोग बहुत ज़्यादा गाइड करता है। अब देखते हैं आगे। जहाँ और इबो की लाइफ बहुत सिंपल गुजर रही थी। कुछ दिनों पहले ही जब जान और इबो घूमने के लिए गए थे, जान को उसके एक दोस्त का कॉल आया, जिसने उसे बताया कि उनका रीयूनियन है जो 3 दिनों बाद होने वाला है। जान तुरंत वहाँ जाने के लिए मान गया। साथ ही उसने ये भी कह दिया कि वो अपने बेटर हाफ को भी साथ में लाएगा। इन दिनों लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो चुकी थी। इबो को कुछ नई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत थी, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा काम था। माना कि उसका ऑफिस रहे और बाहर का काम भी न्यून संभाल रहे थे, पर वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि रे को भी एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी और बिन्योन को भी। इसलिए इबो इन दिनों इंटरव्यू लेने में बहुत ज़्यादा व्यस्त था। तो जान और इबो ने यह तय किया कि जान पहले आगे चले जाएगा और बाद में इबो उसे ज्वाइन करेगा। रे और बिन्योन दोनों भी बहुत हार्ड वर्किंग पीपल थे, इसलिए इबो हर महीने जब उनकी सैलरी गया करता था, उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट होती थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से इबो को आजकल बहुत ज़्यादा काम मिल रहा था। जाहिर सी बात है, उसे कुछ और एम्प्लॉयज़ और एक बड़े ऑफिस की ज़रूरत थी। पूरे 3 दिनों तक व्यस्त रहने के बाद आज इबो मीटिंग ख़त्म करके घर चला आया, नहाकर तैयार हो लिया, फिर जहान के बताए लोकेशन पर चला गया। वो बिल्कुल राइट टाइम पर पहुंच गया, क्योंकि जैसे ही वो पहुंचा, उसने किसी को जहान से पूछते हुए सुना, जहान मैंने सुना है तुमने शादी कर ली है, तो तुम अपनी वाइफ को क्यों लेकर नहीं आए? जहान ने अभी तक इबो को नोटिस नहीं किया था और इबो उसका जवाब सुनने के लिए मरा जा रहा था। जहान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ ये सच है कि मैंने शादी कर ली है और मैं अपनी शादी में बहुत खुश भी हूँ, पर किसने ये कहा कि मैंने एक लड़की से शादी की है? सभी ने आश्चर्य से जान की तरफ देखा। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने पूछा। तो जान ने मुस्करा कर कहा, हाँ मैंने शादी की है, पर एक लड़की से नहीं, लड़के से। अब सब लोग कंफ्यूज हो गए और आपस में बातें करने लगे। तभी किसी ने इबो को नोटिस किया और एक लड़की चिल्लाई, अरे वाह वो देखो कितना खूबसूरत लड़का है। तभी किसी और ने क्यूट कहकर कॉम्प्लीमेंट दिया और सभी ने इबो की तरफ देखा। जान के चेहरे पर एक बहुत बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। उसने तुरंत इबो के पास आते हुए कहा, इबो आखिरकार तुम आ गए, चलो यहाँ आओ। वो जल्दी से इबो के पास आ गया और इबो की कमर पर हाथ रखते हुए बोला, ये इबो है मेरा क्यूट हस्बैंड। अब सभी ने इबो का प्यार से वेलकम किया। उसे बहुत सारे सवाल पूछे कि वो दोनों कैसे मिले, इबो कितने साल का है, इबो को जहन में क्या पसंद आया, जहान इबो को ठीक से ट्रीट करता है या नहीं, इबो को लड़कियों में इंटरेस्ट है या नहीं, और भी बहुत कुछ। तभी इबो को उनका पहला केस याद आया, उस चीटर लड़की का, जो जहान की स्मेलिंग एबिलिटीज़ की वजह से उन दोनों ने मिलकर सॉल्व किया था। एक बहुत अच्छी याद थी ये। इबो ने इस बात को शेयर किया, ऑब्वियसली बिल्कुल ह्यूमन टच के साथ। वो शाम बहुत अच्छी तरह से बीत गई, ड्रिंक्स स्नैक्स और गपशप। उस दिन इबो ने पहली बार जान को ड्रंक होते हुए देखा। जैसे ही वो वॉशरूम से बाहर आया, जान ने तुरंत उसे अपनी गोद में खींच लिया और उसके गाल पर किस करता हुआ बोला, देखो ये कितना प्यारा है। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। अब जान इबो के बारे में एक एक बात बताने लगा कि वो कितना लविंग है, स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग है। वो इबो के एक एक किस्से सुनाने लगा, साथ में ये भी बताने लगा कि वो उससे कितना प्यार करता है, और हाँ ये भी कि वो उसकी दुनिया है, इबो के बिना वो अपनी ज़िंदगी सोच भी नहीं सकता। जान का यह ड्रंगन कन्फेशन सुनकर इबो अंदर तक हिल गया। हाँ जान उससे हर रोज़ कन्फेस करता था, पर आज कुछ अलग था। यहाँ ऐसे पब्लिक प्लेस में, इतने सारे लोगों के बीच में, आधे नशे की हालत में, उसके कंधे पर सर रखे हुए जान ड्रीमी आँखों से इबो की तारीफ पे तारीफ किया जा रहा था और इबो को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। इबो ने भी जान के गाल पर किस किया और जान के बारे में बताना शुरू किया कि जान दुनिया का सबसे लविंग हस्बैंड है, जो इबो को रोज़ स्पॉइल किया करता है।
उसे पूरा पूरा अटेंशन देता है, अपने किए वादे निभाता है, बहुत मेहनती है। और हाँ, ईबो को ऐसे ट्रीट करता है कि सच में ईबो उसकी दुनिया है। जब भी उसे ज़रूरत होती है, हमेशा जान वहाँ मौजूद होता है, और वो जान ही है जिसकी वजह से ईबो को प्यार पर यकीन हुआ है। उसी की वजह से ईबो की हर दिन की शुरुआत मुस्कुराहट से होती है। जान बिल्कुल उसके सपनों का राजकुमार है, जो हकीकत बनकर उसकी ज़िंदगी में आया है। ईबो ने जो कुछ भी कहा था, पूरे दिल से कहा था। उसकी बातें सुनकर जान की आंखें भर आई, और तभी सब तरफ से तालियां बजने लगी। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में लिया। आज दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। अब जान ने तुरंत कैब बुला ली और दोनों घर आ गए। जैसे ही दोनों अपार्टमेंट के अंदर आ गए, जान ने दरवाज़ा बंद कर लिया और ईबो को पैशनेटली किस करके कहा, चलो बेबी बनाते हैं। इस पर ईबो ने हंसते हुए कहा, जान जान, मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कब का प्रेग्नेंट हो चुका होता। मुझे नहीं लगता ये लीजेंड सही भी है। सही कह रहे हो, पर तुम्हें पता है तुम एक वैम्पायर एल्फ हो। तुम बहुत स्पेशल हो, पूरी दुनिया में इकलौते, तो इसका मतलब है वो लीजेंड वाली बात भी सही होगी। ईबो ने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो अभी इस बारे में श्योर नहीं था और वो पहले से ही जजमेंटल नहीं बनना चाहता था। उसने कहा, तुमने इमेजिन भी किया है मेरे साथ एक बेबी कैसा रहेगा? जान ने कहा, तुम्हारे साथ मैंने सब कुछ इमेजिन कर लिया है, और सिर्फ बेबी क्यों, ट्विंस भी हो सकते हैं और बहुत सारे भी हो सकते हैं। मैंने तो पूरी फैमिली इमेजिन करके रखी है। ये सब बहुत बढ़िया होगा, सभी तुम्हें मम्मी बुलाएंगे और मुझे डैडी। जान ने कहा, तो ये वो शौक में चला गया, मम्मी ओ कम ऑन, मैं एक मर्द हूँ और मुझे अगर मैं प्रेग्नेंट भी हो गया तो मेरा जेंडर थोड़ा ही चेंज होगा, ईबो ने कहा। तो जान ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा जेंडर चेंज हो, मुझे ईबो ही पसंद है और लिटिल ईबो भी। ईबो ने कहा, अगर तुमने ऐसे ही मुझे मम्मी बुलाना जारी रखा तो मैं तुम्हें लिटिल ईबो से खेलने नहीं दूंगा। जान ने कहा, अच्छा क्या तुम सच में ये कर सकते हो? तो ईबो ने कहा, कम से कम ट्राई तो कर सकता हूँ। जान ने कहा, पर फिर हमारे बच्चे तुम्हें क्या कहकर पुकारेंगे? ईबो ने कहा, मुझे डैडी और तुम्हें डैड। तो जान ने कहा, पर ईजान के साथ तो ऐसा नहीं है, तुम उसे तो मम्मी बुलाने देते हो। ईबो ने कहा, वो अलग बात है, वैसे भी मैं अभी तक प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ, तो इस बारे में झगड़ा करने का क्या फ़ायदा? जान ने कहा, ये भी ठीक है, तो फिर कैसा रहेगा हम बेडरूम में चले और बेबी बनाने की प्रैक्टिस करें? ईबो ने साय करके कहा, जान जान तुम बिल्कुल पागल हो। जान ने कहा, हाँ तुम्हारे पीछे। ईबो ने कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे पास अभी भी बच्चे बनाने के लिए बहुत टाइम है? हमें साथ हुए बस 14 महीने हो चुके हैं, तो क्यों ना पहले एज अ कपल अपना टाइम एंजॉय करें? जान ने कहा, ये भी सही है। ईबो ने कहा, तो चलो पहले शॉवर ले लेते हैं, फिर ब्रश करेंगे उसके बाद। जान ने कहा, फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ईबो ने कहा, वेल देखते हैं, जितना तुम ड्रंक हो मुझे नहीं लगता आज तुम कुछ भी कर पाओगे, आज तुम्हें जल्दी नींद आने वाली है। जान ने अब सर हिलाकर मना किया और ईबो को तुरंत बाथरूम में खींच लिया, फिर साथ में ब्रश किया, और जैसे ही उसकी पीठ बेड को लगी वो तुरंत सो गया। देखा, ईबो का प्रेडिक्शन बिल्कुल सही था। अगले दिन सुबह 7 बजे दोनों उठे, वो भी एक क्लाइंट के फ़ोन कॉल से। उसने बताया कि उसका हस्बैंड रात भर घर नहीं आया, और उसने अपने हस्बैंड को कॉल करने की काफ़ी कोशिश की, पर वो उससे बात नहीं कर पाई। अब वो चाहती थी कि वो उसके हस्बैंड का पता लगाए। उस लेडी ने उसका लोकेशन भी भेज दिया था। अभी वो और जान तुरंत तैयार होकर उस लोकेशन पर पहुंच गए। वहां पर उन्हें उस लेडी के हस्बैंड का बस सेलफोन मिला, पर आसपास कोई भी नहीं था। फॉर्चुनेटली पास के गैस स्टेशन पर सर्विलेंस कैमरा था। वहाँ के एम्प्लॉय से मिन्नतें करने के बाद उसने आखिरकार वो फुटेज ईबो और जान को दिखाया, जिसमें साफ पता चल रहा था कि उस लेडी का हस्बैंड वहाँ पर अकेला था, शायद बहुत परेशान था। अब जान और ईबो तुरंत उस दिशा में चले गए जहाँ पर वो आदमी चला गया था। ईबो बहुत जल्दबाजी में था
क्योंकि उस आदमी ने बहुत लाइट से कपड़े पहने थे, कोई भी हैवी कपड़े नहीं पहने थे। कल रात को बर्फ़ गिरी थी और अभी भी थोड़ी बहुत बर्फबारी हो ही रही थी, मतलब वातावरण बहुत ज़्यादा ठंडा था। ऐसे में उस व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल था। ईबो और झान ने उस आदमी को ढूंढने में जी जान लगा थी, एक भी क्लू नहीं छोड़ा। रास्ते भर वो फुटप्रिंट का पीछा करते रहे। वैसे भी बर्फबारी की वजह से उन्हें देख पाना मुश्किल हो रहा था, फिर भी करीब आधे घंटे बाद वो एक संकरे रास्ते पर आ गए। तभी झान ने उस आदमी की महक को सूंघ लिया। वो तुरंत उस स्मेल का पीछा करते हुए कुछ झाड़ियों के पास पहुंच गए। वहां पर वो आदमी मौजूद था, लगभग अधमरी हालत में। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल लगाया, उस आदमी को जैकेट ओढ़ाया ताकि वो गर्म रह सके। वो अपने होश खो चुका था और उठ भी नहीं रहा था। अब दोनों भी वहीं पर पैरामेडिक्स का इंतज़ार करने लगे, जो कुछ ही देर में पहुंच भी गए। अब वो उस आदमी को लेकर हॉस्पिटल चले गए। झान और ईबो भी उसके पीछे चले गए। तभी वो लेडी, उनकी क्लाइंट, उनसे मिली। उसे लगा था उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है, पर शायद उस आदमी को बहुत गहरा सदमा लगा था, इस वजह से वो ऐसा कर रहा था। अब झान और ईबो का वहाँ पर कोई काम नहीं था, इसलिए वो घर चले आए, फ्रेश हो गए, साथ में खाना पकाया और खाना खाने ही वाले थे। तभी उस लेडी का वापस से कॉल आया। उसने कहा कि डॉक्टर ने सारे टेस्ट कर लिए हैं, उसके हस्बैंड को सच में स्ट्रोक आया था और वो उन दोनों के बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने वक्त पर उसके हस्बैंड को ढूंढा। अब दोनों ने खुशी से खाना खाया और बेड पर चले गए। तभी ग्रैंडपा शाओ का उन्हें कॉल आया। उन्होंने बताया कि इस वीकेंड उन्होंने झान और ईबो की वेडिंग पार्टी रखी है, बहुत बड़ी वाली, क्योंकि ये डबल सेलिब्रेशन का मौका था। हाइक्वान और चेंग की भी तो वेडिंग हुई थी, अब सभी फैमिली के बीच में वो इसे सेलिब्रेट करना चाहते थे। इस बात का तो ईबो कब से इंतज़ार कर रहा था। उसके फादर भी रिकवर हो रहे थे और वो भी उसके स्टेप मॉम के साथ उनकी वेडिंग पार्टी में आने वाले थे। ईबो अब अपने फ्यूचर को देख रहा था, एक बहुत ही खुशहाल फ्यूचर। बस एक बात अलग थी, वो इन दिनों उस लीजेंड के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा था। उस लीजेंड के अकॉर्डिंग ईबो को हाफ एल्फ होना चाहिए था, मतलब उसकी मदर को एल्फ होना चाहिए था, और अगर वो हाफ एल्फ है तो हाइक्वान भी तो हाफ एल्फ होगा, पर वो तो एक इंसान की तरह दिखता है, किसी भी हालत में वो एल्फ तो नहीं हो सकता। ईबो सोच रहा था अगर उसे ये बात कन्फर्म करनी है तो उसे अपनी माँ से पूछनी पड़ेगी, पर वो अपनी माँ को पूछेगा क्या? वैसे भी उसे खुद कन्फर्म नहीं था कि एल्फ सच में होते भी है या नहीं। जब झान रोज़ की तरह पब्लिक लाइब्रेरी चला गया, ईबो ने इंटरनेट पर इस बारे में ढूंढा, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन उसे मिली उसे तो वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया। इंटरनेट की माने तो एल्फ बहुत प्रिटी होते हैं या फिर बहुत अगली होते हैं, कुछ लोग बहुत प्यारे होते हैं, कुछ लोग बहुत क्रूएल भी होते हैं। वैसे भी ये सब स्टोरीज़ थी, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता था। ईबो इस सब ख्यालों में खोया हुआ था। तभी झान घर पर आया। उसने जब पाया कि ईबो लैपटॉप के सामने बैठकर कुछ ढूंढ रहा है, उसने कहा अगर तुम चाहो तो हम इस बारे में भी ढूंढना शुरू कर सकते हैं। झान की बात सुनकर पहले तो ईबो चौंक गया, क्योंकि उसने नोटिस ही नहीं किया था कि झान घर के अंदर आ चुका है। तुम ऐसे अचानक से कैसे आ गए? ईबो ने कहा। तो झान ने कहा, हनी मैंने तुम्हें पुकारा था जब मैं अपार्टमेंट के अंदर आया था। ओ सच में? ईबो ने कहा। आई एम सॉरी, मैं पढ़ने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि मैंने नोटिस ही नहीं किया। झान ने कहा, हाँ मैंने भी देखा। तो तुम क्या चाहते हो कि हम इस बारे में भी सर्च करें? ईबो ने कहा, मुझे खुशी होगी, पर अभी के लिए हमारे पास और भी ज़रूरी काम है। इस वीकेंड हमारी शादी की पार्टी होने वाली है, उसके बाद तुम्हारी प्राइवेट डिटेक्टिव की ट्रेनिंग शुरू होगी। हमने अभी अभी काम करना शुरू किया है और बहुत ज़्यादा काम पड़ा है, और हमें कुछ और लोगों को भी हायर करना पड़ेगा, इसलिए अभी के लिए तो मैं ये नई नई शादी वाली ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, झान ने कहा, पर मुझे बताना जब तुम इस एल्फ थिंग के बारे में सर्च करना शुरू करना चाहो। ईबो ने कहा, तुम्हें पता है झान, मैं तो सोच भी नहीं सकता कि एल्फ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है।
जान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ 2 साल पहले तुम वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बारे में भी यही कहते थे। इवो ने कहा, हाँ मानता हूँ, पर ग्रैंडपा शॉप भी एल्फ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो इतने ज़्यादा ओल्ड है और पूरी दुनिया घूम चुके हैं। जान ने कहा, तुम्हें एक बात याद रखनी होगी कि वो सब कुछ नहीं जानते। वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारी मदर से हमें पूछना चाहिए, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इवो ने कहा, हाँ हाँ जैसे कि वो खुले दिल से सब कुछ बता ही देंगी। जान ने कहा, वेल हम कम से कम ट्राई तो कर सकते हैं। इवो ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, हम उन्हें हमारे बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, ना ही वो हमें कुछ भी बताएगी। जान ने कहा, हो सकता है कि बता दे। इवो ने कहा, जान जान अगर मेरी मॉम एक एल्फ होती भी और अगर उन्हें ये पता होता तो वो किसी न किसी तरीके से मुझे और भाई को बता देती, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग मैं और हाइकॉन भी हाफ एल्फ होते। जान ने कहा, पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर फिर भी। इवो ने कहा, ज़्यादा मत सोचो जान जान, अगर ऐसा होता तो उन्होंने बताया होता। खैर जाने तो, मुझे भूख लगी है। ठीक है, जान ने कहा, वैसे तुम्हें किस चीज़ की भूख लगी है? इवो ने कहा, एक वुल्फ की। जान ने मुस्कुरा कर कहा, पर वो तो मेन्यू में नहीं है। इवो ने कहा, हाँ है, सिर्फ मेरे लिए। जान ने कहा, वो सच में? इवो ने कहा, हाँ बिल्कुल, आफ्टर ऑल मैंने उससे शादी जो करी है ताकि मुझे उसका जब चाहे एक्सेस मिल सके और मैं जब चाहे अपना बुफे एंजॉय कर सकूँ। जान ने कहा, ओ वाव, तुमने मुझसे सिर्फ इसलिए शादी की है कि मैं तुम्हारे पास रह सकूँ और तुम्हारा खाना हर वक्त तुम्हारे पास रहे? इवो ने कहा, हाँ बिल्कुल, और किस लिए मैं भला शादी करता? तो जान ने कहा, वेल मुझे लगा प्यार के लिए। जान हंसने लगा, अब उसे भी इस गेम का मज़ा आने लगा था। इबो अपनी हंसी दबाते हुए बोला, वेल प्यार से पेट नहीं भरता। जान ने कहा, कितनी बुरी बात है, मैंने अभी अभी किसी वैम्पायर को अपना खून पिलाया था तो अभी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा है। इबो ने कहा, और वो वैम्पायर कौन है भला? तो जान ने कहा, हाँ है कोई, मुझसे थोड़ा सा छोटा है, बहुत क्यूट है और जब वो टर्न होता है बिल्कुल एंजल लगता है, उसकी गुलाब की तरह प्यारी सी खुशबू है और हाँ उसने कहा कि वो मुझे बहुत पसंद करता है। तो इबो ने कहा, हे मैंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, जान ने कहा। दोनों भी हंसने लगे, एक दूसरे को किस किया और साथ में किचन में चले गए, खाना पकाया, फिर साथ में इंजॉय भी किया। इबो बिल्कुल इसी तरह की लाइफ अपने लिए चाहता था, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं। वो एक नॉर्मल कपल थे जो नॉर्मल चीज़ें करते थे, कम से कम आगे कुछ सालों के लिए तो वो ऐसे ही रहना चाहता था। और रहा सवाल लीजेंड का, तो ये चीज़ थोड़ा इंतज़ार कर सकती है, क्योंकि अभी तो उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करना था, क्योंकि ये किसी भी बहुत लंबी सी जर्नी पर जाकर बहुत सारे लोगों से मिलकर बहुत सारे सवाल और उनके जवाब पता करना, फिर आधे सवालों के साथ आधे जवाबों के साथ अगली जर्नी पर निकलना, इसे तो बेहतर ही था। आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलती हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और वांग शान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।